लाचेन में ग्लेशियर फट चुका है और देखो दोनों नेटवर्क जा चुकी है। एक पत्थर सीधा आया, गाड़ी को कुचल दिया पूरा। क्या सिचुएशन है अभी इसका, रिवर का? आर्मी की जो कार है उसके ऊपर पत्थर गिर गया। सड़कों का तो बुरा हाल है, सारे आर्मी लोग अपने आर्मी व्हीकल्स को छोड़कर आगे की तरफ चल गए हैं। वो गुरुदुम्बार वाले रास्ते की तरफ जितने भी घर पड़ रहे हैं ना, सारे खाली करा दिए गए हैं। गिर रहा इधर इधर रास्ता नहीं है, अब कनेक्शन खत्म। फिलहाल कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया यहाँ पर लाचेन में, देखो कल रात में सब पत्थर ऊपर से गिर गए तो गुरुदुम्बार लेक का जो ब्रिज था टूट चुका है। गाँव का कनेक्शन कट गया, अब क्या होगा, कैसे इनको फूड सप्लाई किया जाएगा? बहुत हेली से जाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फिलहाल आप सभी तो काफ़ी अच्छे हो, लेकिन मेरी और अमरदीप की हालत एकदम सही नहीं है। एक सीन क्रिएट हो गया, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोग लाचेन आए हुए थे रात के तकरीबन 10 बजे, और जैसे ही हम लोग होटल में पहुँचे और खाना वाना खाए, उसके बाद अचानक से रात के टाइम में होटल के मालिक ने दरवाज़ा ठकठकाया, यानी मैनेजर ने। मैं तो डर गया फर्स्ट टाइम, लेकिन पता चला है कि यहाँ लाचेन में ग्लेशियर फट चुका है और मेरी होटल जो थी ना, जो होटल आप देख रहे हो, सारी बिल्डिंग्स जो थी ना, सारे बिल्डिंग्स हिल रहे थे। इसकी एक छोटी सी क्लिप मैंने ली है, मैं आपको दिखाता हूँ रात को कैसे एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया था। सब लोग रात को भागते भागते यहाँ पर खड़े हुए थे, एक सेफ स्पॉट पे जा रहे थे, सब लोग ऊपर भाग रहे थे और हम लोग भी वहाँ आगे में जाके एकदम टॉप में चल गए थे। और उसके बाद तकरीबन हम लोग 3-3.5 बजे तक होटल के बाहर थे, और फिर उसके बाद थोड़ा सिचुएशन हल्का सा बेटर हुआ, लेकिन फिर भी एकदम 100% अच्छा नहीं हुआ और अभी भी ग्लेशियर फटा हुआ है। देखा आपने, अगर आपको आवाज़ आ रही होगी, रिवर की बहुत ज़्यादा भयानक आवाज़ आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उत्तराखंड टाइप का होता है, या उत्तराखंड में हुआ था उस टाइप का ऐसा सिचुएशन हुआ है, लेकिन उससे थोड़ा कम हुआ। और यहाँ पर देखो दोनों नेटवर्क जा चुकी है, कल रात से नहीं है। वो तो बढ़िया हो कि मैंने मम्मी से 10:30 बजे के पहले, जब नेटवर्क यहाँ पर थी, लाइन भी थी, तो मैंने बात कर लिया था अपने दोस्तों से। अब ऐसा तो अभी कोई सिचुएशन नहीं है, फिलहाल अभी अटका हुआ हूँ क्योंकि यहाँ पे रास्ते शायद बंद है। अभी मैं यहाँ के लोकल से पूछूंगा, फिलहाल देखते हैं क्या सीन है। तो आप लोग का जाने का प्लान हो गया है क्या? लेकिन रास्ता तो बंद है ना? हाँ, रास्ता नीचे का शायद बोल रहा है बंद है, और ऊपर भी नहीं जा सकते, नीचे भी नहीं जा सकते। 2 बजे तक क्लोज है। हाँ, 2 बजे तक बंद है। आप अभी ना ऊपर ना नीचे, ब्रिज तो ऊपर का टूट गया, अभी ब्रेकफास्ट चल रहा है इन लोग का। तो फिलहाल भैया ऊपर चलता हूँ और सिचुएशन देख क्या है, यहाँ के लोकल से पूछता हूँ। यही लोग थे जो कोलकाता के लोग हैं, और बहुत ज़्यादा डर गए थे यार, बहुत ज़्यादा डर गए थे। रास्ता आज नहीं खुलेगा, ब्रिज वो बोल रहा है कि अब, हाँ नेटवर्क तो पूरा कट गया। ये पहला बार ऐसा हो रहा है क्या यहाँ पर, कि इससे पहले भी होता है? ये जो साउंड आ रहा है वो तीस्ता ही रिवर का है ना, ओवरफ्लो जो हो रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है ना? बहुत दिन बाद हमारे साथ ही ऐसा होना था। ये फर्स्ट टाइम मैं आया था और क्या हो गया मेरे साथ, क्या सभी लोगों के साथ ये क्या हो गया जो लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए थे। ये जो अभी फ्लो चल रहा है रिवर का, ये नॉर्मल है कि थोड़ा ज़्यादा है? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, इसीलिए साउंड आ रहा है ना? साउंड नहीं आता है ना? अच्छा, कल रात को इतना बारिश हुआ इसीलिए शायद ना? क्या हो गया? तो वहाँ पर देखो तीस्ता रिवर है ना, तो देखो तीस्ता रिवर का जो ओवरफ्लो हुआ कल रात को, वहाँ पर देखो ये नॉर्मल नहीं है। अगर आपको वीडियो में भले नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन एक्चुअल में नॉर्मल फ्लो नहीं है। रात को तो और ज़्यादा साउंड कर रहा था ना, बिल्डिंग भी हिल रहा था, तो काफ़ी सिचुएशन अलग ही है। और ब्रिज सारा टूट गया ना भैया, सारा ब्रिज टूट गया ना, नीचे का ऊपर का? कितना टूटा अभी तक तो अपडेट आया नहीं, लेकिन इतना कम बम है कि ब्रिज टूट गया ना। हाँ, खतरा भी खाली कर दिया। वो आर्मी कैंप था। आपको आर्मी कैंप दिख रही होगी वहाँ पर, देखो वहाँ पे कटा हुआ, और आर्मी कैंप का बस लास्ट, यानी जो छोटा सा घर है, अगर और ज़्यादा फ्लो हुआ ना तो वो भी कट के चल जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे अभी यहाँ के लोकल्स लोग मीटिंग कर रहे हैं। क्या सिचुएशन है अभी इसका, रिवर का? नहीं पता। आप लोग यहाँ के लोकल हो क्या?
अच्छा, ऐसा पहली बार हो रहा है क्या यहाँ पर? हाँ पहली बार हो रहा है यार। क्या ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ठीक है। अरे हमारा सबसे छोटा गेस्ट यहाँ का था जो काफी डरा हुआ था, ये भी हमारे साथ 4 बजे तक नहीं सोया था। यहाँ पर देखो बच्चे को कैसे बांध के लेके जा रही हैं, तो कुछ अलग ही देखने को मिलता। और ये हैं हमारे होटल के ऑनर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमें रहने दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगा। क्या नाम है ये होटल का? होटल का चुनामी रेसिडेंसी। चुनामी रेसिडेंसी, तो विजिट करना भाई साहब। यहाँ पर देखो यार, इस कार के ऊपर तो पत्थर गिर गई है। मैं बस ऐसे ही गुरुदुम्बार वाले रास्ते में जा रहा था, ये दिख गई भाई। ये तो कल रात की सीन है, कल रात का सीन है ना ये? पता नहीं ये कल रात को कितना बजे हुआ था, आप लोग इधर ही थे क्या? ये घर बच गया ना, देखो यहाँ पे घर बच गया वो पत्थर, शायद वहाँ का सीमेंट का कोई स्लैब होगा उसने रोक लिया, ये घर बच गया। लेकिन गाड़ी का इंजन तो पूरा गया। अगर कोई होता तो क्या होता? बढ़िया, कोई नहीं था ना इसके अंदर? कोई नहीं था, तो कोई कैजुअलिटीज नहीं हुए, खाली गाड़ी टूट गई। टूट क्या, पूरी एकदम चकनाचूर हो गई है। यहाँ पर देखो, वहाँ से देखो कितनी लैंडस्लाइड हो रही है, मिट्टी का कटाव होते जा रहा है धीरे धीरे। तो ये न्यू बिल्डिंग बन रही है, लेकिन बहुत बड़ी सीन क्रिएट हुई है। यहाँ पे वर्कर लोग से मैंने बात किया, यहाँ की मिट्टी कट रही है धीरे धीरे। बिल्डिंग अभी जस्ट नया बना है, कुछ भी हो सकता है, कहाँ नहीं जा सकता। तो मैं उस आर्मी कैंप के पास जा रहा हूँ जहाँ पे आर्मी कैंप अब बस धंसने वाली है, यानी आर्मी कैंप अब डायरेक्ट नदी के अंदर जाने वाली है, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा हो गया है। और देखो इतनी तेज़ बारिश हुई है कि हर जगह से पहाड़ों के ऊपर से ये देखो झरना टाइप का पानी नीचे गिर रहा है। आगे की तरफ चल रहा हूँ, यहाँ पर देखो यार रास्ते में क्रैक हो गया है, ये किसी भी वक्त धंस सकते हैं, यहाँ पे सेफ नहीं है। इतनी ज़्यादा डरावनी साउंड आ रही है, आप सुनो ध्यान से। और नेटवर्क भी नहीं है कि मैं मम्मी या अपने फ्रेंड्स को बता सकूं कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा बुरे सिचुएशन में फंस चुके हैं। अदरवाइज मैं बता देता तो थोड़ा अपने मन को भी रिलीफ मिलता। सारे रास्ते में क्रैक आए यहाँ पर देखो, और अगर अभी सिचुएशन सही नहीं हुआ तो ये क्रैक्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यहाँ के लोकल ने कहा। और ये रास्ता किसी भी वक्त धंस सकता है। तो यहाँ देखो रास्ते में पत्थर गिरे पड़े हैं यहाँ ऊपर से, और हमें इसे पार करके जाना पड़ेगा क्योंकि रास्ता नहीं है, वहाँ से रास्ता नहीं है, ऊपर से चलना होगा। देखो यहाँ पे रास्ता है ही नहीं इस साइड में, और यहाँ पे चढ़ना होगा। चल चल चल, यहाँ पर देखो पूरा लैंडस्लाइड हुआ रात के टाइम में, और पूरा पत्थर यहाँ देखो खाई है पूरा, देख के चल। तो गुरुदुम्बार लेक का रास्ता कुछ ऐसा है, पूरा यहाँ पे रास्ता देखो पूरा ब्लॉक हो गया, अब कोई कार बाइक नहीं जा सकती। यहाँ पर देखो पूरा खाई, नीचे चलता हूँ। तो इस पार आ गया हूँ, चलता हूँ आगे की तरफ। आर्मी की जो कार है उसके ऊपर पत्थर गिर गई है। फिलहाल रास्ते देखो, ये सब लैंडस्लाइड हुई, रास्ते को खाली किया जा रहा है, पूरे क्रैक आ गए हैं, बड़े बड़े क्रैक, रास्ते पूरे धंस चुके हैं। और यहाँ पे सारे वर्कर्स लोग सफाई का काम कर रहे हैं, जो बॉर्डर बनी हुई थी सीमेंट की वो भी टूट गई, और सारा जो मिट्टी पत्थर था सब इधर गिर गया। देखो ये घर में थोड़ी दरारें पड़ गई हैं भाई। आर्मी बेस कैंप के पास एकदम पहुँच गया हूँ, और यहाँ पर देखो सारे आर्मी लोग अपने आर्मी व्हीकल्स को छोड़कर आगे की तरफ चल गए हैं, कि रास्ता कभी भी धंस सकता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़मीन यानी रोड धंसने की बात सुनी जा रही है। यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोकल का कहना है कि आर्मी बेस कैंप जो था एक दो घर गिर चुका है, तो इसीलिए आर्मी ऊपर की तरफ चल गए या तो नीचे की तरफ चल गए, क्योंकि यहाँ पर सेफ नहीं है, उनका बेस कैंप थोड़ा आगे में ही है, यहाँ पर वीडियो लेना मना है। लेकिन फ़िलहाल मैं सिचुएशन को दिखा रहा हूँ यार, मैं खुद देखना चाहता हूँ क्या सिचुएशन है, क्योंकि एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर
मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही लोग मेरे से पूछ रहे हैं ना कि क्या कंडीशन है, तो मैं उन्हें एग्जैक्ट वही बता रहा हूँ जो मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ, जो महसूस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, ये रहा आर्मी बेस कैंप, पूरी बंजर पड़ी हुई है, कोई नहीं यहाँ पर। और देखो घर कैसे हल्के हल्के ऐसे हो गए हैं, पूरे हेवी हेवी ट्रक यहाँ पर ऐसे छोड़ दिए गए हैं। और इसमें देखता हूँ घर में, देखो आर्मी वाले अपने बैग छोड़ के नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ चल गए हैं। पूरा घर खाली पड़ा है, सारे घर में ताले लगे हुए हैं, और ये नीचे का रास्ता है। और यहाँ पर सारे घर खाली हो गए यार, ऐसी सिचुएशन में फंस गया हूँ ना, सिर्फ भगवान का नाम लेना ही सही है, भगवान के ऊपर है, अब वही हमारा भला कर सकते हैं और लाचेन का भला कर सकते हैं। गुरु दुम्बार वाला जो रास्ता था ना, उस रास्ते का जो ब्रिज था और रास्ता पूरा टूट चुका है, बहुत सारे पत्थर गिर गए। हैवी लैंडस्लाइड जोन, लुक कन्फर्म एंड मूव। यहाँ पर पहले से ही चेतावनी दे दी गई है जो भी गुरु दुम्बार लेक जाते हैं, कि ये सारा जो रास्ता है हैवी लैंडस्लाइड के जोन के अंदर आता है, इसीलिए सावधानी से चलो। और लैंडस्लाइड क्या होती है मैं आपको और क्लियर दिखाता हूँ। देखो ये होती है लैंडस्लाइड, इतनी मिट्टी की कटाव होती है ना कि आप अगर टॉप पे भी हो, मान लो वहाँ पर भी हो ना, बचने वाले नहीं हो, क्योंकि ये जो हाइट देख रहे हो ये तकरीबन 5-6 फ्लोर की जो बिल्डिंग्स होती हैं उस लेवल की कटाव हुई है। उस साइड में देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो मिट्टी की कटाव किस लेवल की हो रही है, आप खुद देखो, देख रहे हो। और वहाँ पर गाँव बसा हुआ है, अगर ऐसा ही सिचुएशन रहा तो गाँव भी धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। तो ये होती है असली लैंडस्लाइड, जब ग्लेशियर फटता है किसी माउंटेन एरिया में, ऐसा सिचुएशन होता है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और ऐसा एक्सपीरियंस सच बताऊँ कोई नहीं चाहता कि ऐसा कोई एक्सपीरियंस कोई झेले, क्योंकि सब चाहते हैं कि शांति से रहें, आराम से रहें और सेफली रहें, कोई ऐसा नहीं चाहता। बस ये सिचुएशन ऐसा क्रिएट हुआ है, इसलिए मैं खुद देख रहा हूँ और वीडियो के थ्रू पूरी दुनिया को दिखा रहा हूँ कि क्या सिचुएशन होता है, माउंटेन के लोग क्या क्या झेलते हैं। जितनी सुंदर दिखती है ना उतनी ही खतरनाक है। यहाँ पर देखो गुरु दुम्बार वाले रास्ते की तरफ जितने भी घर पड़ रहे हैं ना, सारे खाली करा दिए गए हैं, लॉक लगा दिया गया है, और सभी लोगों को टॉप पर पहुँचा दिया गया है जहाँ पर सेफ हो। और एक घर देखो धंस चुका है, यहाँ पर था ये धंस गया। और सच बताऊँ ना ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ज़ॉम्बीज अटैक हो जाता है, पूरे घर आर्मी कैंप खाली हो जाते, उस टाइप का फील हो रहा है अंदर से, बहुत ज़्यादा यानी डर भी लग रहा है। भले ब्लॉग बना रहा हूँ एकदम, आप ऐसे नॉर्मल देख रहे हो ना, अंदर से बहुत डरा हुआ हूँ यार। घर जाए सब कुछ जाए, लेकिन लोग रहने चाहिए, अपने लोग हैं। और दो दिन से यहाँ पे रुका हूँ, सब अपने लोग हो गए, सबसे बात कर रहा हूँ, 900 लोग हमारी फैमिली बन चुके हैं। और सच बताऊँ किसी को भी कुछ नहीं होना चाहिए, घर जाए कुछ भी जाए, लेकिन सब सेफ रहना चाहिए, क्योंकि अपने फैमिली सारे हैं ना, उनको कुछ नहीं होना चाहिए यार, कुछ नहीं होना चाहिए। सच रोना भी आ रहा है अंदर से, हम लोग तो चलो यंग है, जो थोड़े एज्ड पर्सन है उनका क्या हो रहा होगा। जो नदी दूर से कितनी छोटी लग रही थी, वही नदी देखो सामने से कैसी दिख रही है। और यहाँ पर देखो ये पूरा क्रैक हो चुका है, किसी भी वक्त ये भी नीचे जा सकता है। और यहाँ पर देखो उन लोगों का कनेक्शन कट चुका है बाहर के लोगों से, रास्ता पूरा ढह चुका है। वहाँ पर देखो रास्ता जो था वो टूट चुका है, सारे रास्ते कट के पहाड़ आ चुके हैं, रास्ते एकदम ख़त्म हो चुके हैं। अब इन लोगों का कनेक्शन तकरीबन 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने के लिए गया, इन लोगों का कनेक्शन कट गया, क्योंकि इन सब रास्तों को बनाने में काफ़ी टाइम लगेंगे। अब इन लोगों के पास चॉपर से फूड सप्लाई किया जाएगा भाई, और क्या ही बोलूँ, रास्ते कटते जा रहे और ये भी कुछ देर में अब जाने वाला है। दादा रास्ता क्या हुआ, वो जो रास्ता है ना वो वाला, हाँ ब्रिज था, ब्रिज यहाँ पे था बीच में। यार इनका कहना है यहाँ, आप यहाँ के लोकल है क्या? लोकल नहीं, हम 10 साल से। अच्छा 10 साल से आप यहाँ पर हैं, तो ब्रिज कहाँ गया, ब्रिज टूट गया पूरा, सब चला गया। वो रात के टाइम में जो पानी का बहाव था ऊपर आ गया था क्या? ऊपर उतना रोड का, वो रोड है ना, वो वाला रोड जो देख रहे हो ना। अच्छा रोड तो गया, इतना बड़ा ब्रिज नहीं था, छोटा सा था भाई। मैंने बोला ना कि ब्रिज गया, देखो ब्रिज यहाँ से टूट गया। अब वो लोग का कनेक्शन कट गया ना, गांव वाले लोगों का, अब खाना वाना कैसे दिया जाएगा? खाना उधर आर्मी रहता है ना, आर्मी है उस साइड में ना, और गुरु दुम्बार यही रास्ता है ना, गुरु दुम्बार लेक जाने का। देखो यही रास्ता था गुरु दुम्बार लेक जाने का, ये रास्ता गया
गुरुदुम्बार का कनेक्शन कट, वहाँ के आर्मी लोग उस साइड में हैं, उनके पास स्टॉक में बहुत सारा फूड रहता है, उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान हमारे आर्मी वाले करेंगे। तो सारे कंडीशन यहाँ आर्मी वालों के हाथों में आ चुकी है, कंडीशन बहुत ख़राब है। अबे गिर रहा, इधर आ, इधर आ, इधर आ। तो इस जगह पर आया हूँ, ये लास्ट रास्ता है जहाँ से रास्ता टूट चुका है, तो कनेक्शन ख़त्म यहाँ से, और धीरे धीरे यहाँ पे पत्थर गिर रही है ना, तो डर लग रहा है मुझे, और रास्ते में पूरे क्रैक आ गए हैं, किसी भी वक्त गिर सकते हैं रास्ते। तो फिलहाल कुछ ऐसा कंडीशन है, और नदी देखो उस साइड से नदी आ रही है, लेकिन ग्लेशियर फटने से इधर से भी नदी निकल गई, यानी दो रास्ता हो चुका है, जिसके ही चलते यहाँ पर सिचुएशन ऐसी बन गई। और मत जा अमरदीप, ज़्यादा आगे मत जा यार, इधर से ही देख। और यहाँ पे देखो सारे जो इलेक्ट्रिसिटी के तार और थे, और नेट तो है ही नहीं दो दिनों से, इलेक्ट्रिसिटी भी दो दिन से नहीं है, जो मशीन होती है जो इलेक्ट्रिक सप्लाई करती है वो अभी चल रही है फिलहाल, अब वो भी एक या दो दिन के बाद वो भी बंद हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल से चलती है, वो भी ख़त्म। तो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। अब इस जगह पर अभी तक कोई टूरिस्टर नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर किसी को आने नहीं दिया जा रहा है, और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही आने की। हमने सोचा चलो देखते हैं क्या सिचुएशन है, आराम से सेफ्टी के साथ चलेंगे, ऐसे आँख बंद करके तो आया नहीं, देख के कैसा कंडीशन है। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लास्ट पॉइंट पर आ गए, जहाँ पर अब आगे नहीं जा सकते, नदी है, टूट चुकी है। तो भाई सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा गंदी है। लोकल है क्या यहाँ के? रास्ता तो पूरा कट गया, ये रास्ता यहीं से होके जा रहा था ना। और ब्रिज कहाँ पर है? ब्रिज ब्रिज था अच्छा भैया, एक सुनिए, ये जो रिवर आ रहा है, एक रिवर इधर है, एक रिवर इधर है, ये क्या, ये अपने आप है? ये जो जिमुक ग्लेशियर आएगा, अच्छा ग्लेशियर, और जो हाँ मुक्थांग वैली से आएगा, एक ग्लेशियर जो रात को उस दिन सीन हुआ यहीं से हुआ ना, यहीं से हुआ, जो मुक्थांग जो, अच्छा आपको क्या वो आगे मत जाइए, ग्लेशियर है ना, हाँ हाँ इधर से, इसके पहले यहाँ पे नहीं था ना, यहाँ रिवर था छोटा सा, लेकिन ये बड़ा हो गया, इतना रिवर था लेकिन अब ये बड़ा हो गया, ब्लास्ट हो गया तो बड़ा रिवर। अच्छा एक गांव का कनेक्शन कट गया, अब क्या होगा, कैसे इनको फूड सप्लाई किया जाएगा? और तो हेली से जाना पड़ेगा, और आर्मी लोग भी उस साइड में है क्या? आर्मी भी उस साइड में है, उस साइड आर्मी बहुत है, आर्मी, अच्छा बॉर्डर एरिया। गुरुदुम्बार जाना था, ये रोड है, यही रास्ता ना, अच्छा यही रास्ता से, ओके इधर आ जा, इधर आ जा भाई, यहाँ के लोकल भाई साहब मिल गए जो हमें पूरे डिटेल्स में बता रहे हैं क्या कंडीशन हो रहा है। अब इस रास्ते को बनने में लगभग कितना टाइम लगेगा, इस गांव को कनेक्ट करने में आपके हिसाब से? अभी तो महीना ऊपर लग जाएगा, एक महीना लग जाएगा ना, तो सारा। और लाइन का क्या सीन है, लाइन नेटवर्क, लाइन का तो तार टूट गया, वो भी तो सेम वही है, सेम यहाँ तो नीचे से भी रास्ता खराब है। तो काफ़ी कुछ जानने को मिला यहाँ के लोकल वालों से, और सीन बहुत ज़्यादा ऐसा पहली बार हो रहा है क्या? ये बहुत साल पहले एक बार हुआ, वही ग्लेशियर बहुत साल पहले ना, नब्बे साल पहले हुआ था, और अब जाके इस टाइम हो रहा है ऐसा सिचुएशन यार। और ये आपकी लाइफ में पहला बार आप ऐसा देख रहे हो ना? हाँ, नहीं तो आपके पेरेंट्स ने देखा होगा ऐसा सिचुएशन। अच्छा नीचे का भी ब्रिज पूरा बह गया ना, पता नहीं क्या था कि हम लोग यहाँ पर लाचेन में ऐसे फंसे हुए हैं, और शायद कुछ होगा कि भगवान ने हमें यहाँ पर भेजा कि हम लोग यहाँ के कंडीशन को लाइव दिखा सके। और सच बताऊँ तो अंदर से ब्लॉगिंग छोड़कर ऐसा लग रहा है कि मैं न्यूज़ रिपोर्टर बन गया हूँ, क्योंकि जो भी सीन हो रही है सब मैं दिखा रहा हूँ, और जो भी रियल है, कुछ मिर्ची मसाला जो होता है कुछ नहीं है, यहाँ के लोगों से बात हो रहा है, इंटरेक्ट कर रहा हूँ, जितने ज़्यादा लोगों से बात कर पा रहा हूँ उतने लोगों से बात करके रियलिटी क्या है सब बता रहा हूँ। तो फिलहाल अब चलता हूँ गांव की तरफ जहाँ पे मैं ठहरा हुआ, यहाँ से तकरीबन 5-6 किलोमीटर मैं आगे आ गया हूँ। अब यहीं पर इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर ख़त्म, ब्लॉग भी बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी बोलना अच्छा नहीं लग रहा, बस मैं दिखा रहा हूँ आपको वीडियो के जरिए। तो चलता हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, सही सलामत घर पहुँचना, और यहाँ के लोगों की सेफ्टी, यही भगवान से प्रे कर रहा हूँ कि लाचेन के लोकल लोग, यहाँ के टूरिस्टर, एनिमल्स जो बोल नहीं सकते, अपना दर्द नहीं बता सकते, सब लोग सेफ रहें, सब लोग सही सलामत रहें। और ये स्थिति उत्तराखंड से थोड़ी कम है, लेकिन उत्तराखंड वाली सिचुएशन हो गई, जैसा कि यहाँ के लोकल लोगों ने कहा 90 साल के बाद ऐसा हो रहा है, इनके पेरेंट्स ने ऐसा देखा था। तो ये फिर मिलता हूँ सही सलामत पहुँच कर, फिर आपसे इंटरेक्ट करता हूँ।